आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए BA LLB 10वें सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2023 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप BA LLB 10वें सेमेस्टर में हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहां पर आपको 3 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स पेपर मिल जाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, ये मत देखिए कि किस यूनिवर्सिटी का यह क्वेश्चन पेपर है। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, जो प्रश्न और जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को ही पूछता है। आज का सब्जेक्ट होगा ADR, यानी कि विवाद की वैकल्पिक श्रृंखला, यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजुलेशन सिस्टम। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। एग्जाम में पेपर पूछा जाता है 60 नंबर का, जिसमें 10 प्रश्न दिए जाते हैं और 5 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। पहला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था, वैकल्पिक विवाद सुलह पद्धति के अर्थ एवं कार्य क्षेत्र को समझाइए तथा इसके महत्व को भी समझाइए। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत मध्यस्थों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय वैकल्पिक विवाद प्रणाली का एक बहुत प्रभावी प्रकार है, समझाइए। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया था, जेनेवा अभिसमय के अंतर्गत विदेशी पंचाट से आप क्या समझते हैं? विदेशी पंचाट को परिवर्तनीय बनाने के लिए क्या शर्तें आवश्यक है? यह चौथा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया, विधिक सेवा प्राधिकरणों की विधिक सहायता के संबंध में भूमिका की चर्चा कीजिए। इसके बाद छठवां, मध्यस्थम करार के आवश्यक तत्वों पर एक टिप्पणी लिखिए। मध्यस्थम करार के विभिन्न प्रकार क्या है? इसके बाद सातवां प्रश्न पूछा गया, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत अपीलीय आदेशों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आठवां, किन परिस्थितियों में पंचाट आपास्त किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद नौवां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला सुलह, दूसरा मध्यस्था। इसके बाद दसवां प्रश्न पूछा गया था, सुलह अधिकारी की शक्तियां एवं
दायित्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यही 10 प्रश्न बीए एलएलबी दसवें सेमेस्टर सब्जेक्ट अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजुलेशन सिस्टम के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपने 3 साल पुराने पेपर अच्छे से तैयार कर लिए तो वही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को ही बार बार रिपीट करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।